अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WS इंफोटेनमेंट। मेरा नाम है वकार और आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ UAE की तरफ से कुछ न्यू अपडेट के साथ। आज की जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको मैं बताऊँगा कि ICA का अप्रूवल दिखता कैसा है। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि और जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपको जब आपका एप्लीकेशन नंबर शो करता है 100% पे जाके, तो आपको मेंशन करता है वी विल सेंड यू अप्रूवल वेरिफिकेशन ऑन योर ईमेल। हम आपको ईमेल में आपके अप्रूवल की वेरिफिकेशन सेंड कर देंगे। लेकिन अगर आप जब GDRFA में अप्लाई करते हैं तो पहले आपको एप्लीकेशन प्रिंट करने का भी ऑप्शन देता है, फिर जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है फिर नीचे देता है प्रिंट अप्रूवल, तो आप प्रिंट अप्रूवल भी कर सकते हैं तो उसका। लेकिन अभी ICA की तरफ से भी अपडेट है कि आप अपना वो प्रिंट जो है अप्रूवल का प्रिंट कैसे कर सकते हैं। रिसिप्ट की बात नहीं करता, बिल की बात नहीं कर रहा, जो अपडेट नहीं है जिसमें उन्होंने ये चीज़ ऐड कर दिया है कि उसके ऊपर आपकी इश्यू एक्सपायरी नाम एवरीथिंग आपका लिखा होगा, जिस पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि आज से पहले तक जो ये अपडेट थी उसमें सिर्फ आपको एक रिसिप्ट बता देते थे कि जी आपकी रिसिप्ट है और आप उसके ऊपर 00 अमाउंट लिखी है और आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन जस्ट आ जाता है अप्रूव्ड। बाकी आपको नहीं अंदाज़ा होता कि मेरी अभी इशू डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, जैसे कि GDRFA वालों ने अपने अप्रूवल की जो है वो बताया हुआ है। इसमें काफ़ी जो मेरे भाई जो YouTube पे आप लोगों को गाइड करते हैं, उन लोगों से भी कभी कभी वो ये अनजाने अनजाने में ये बोल देते हैं कि जो रिसिप्ट है ये अप्रूवल है, या इस रिसिप्ट को आपने आगे शो करना है, या इस चीज़ को आप प्रिंट करके अपने पास रख लें। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आपको मैं बताऊँगा प्रॉपरली कि आपने जो ICA की तरफ से जिनको अप्रूवल मिला है उन्होंने अपना अप्रूवल प्रिंट कैसे, अगर तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन है तो अभी जाके अपने दोबारा से जो मैं आगे आपको तरीका बताऊंगा आपने उसको फॉलो करके अपना प्रिंट निकाल लेना है। अभी साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूँ, कुछ जो मेरे भाई जो दोस्त जो मज़ीद आप लोगों को गाइड करते हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बनाते हैं, वो लोग ऐसे लोगों की वीडियोज़ बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि हाँ जी अप्रूवल आ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको क्या इसमें आपको बताऊंगा, इसमें एक ट्रिक आपको बताऊंगा कि वो क्या करते हैं जिन लोगों के, जिस वजह से जो वीडियो बनाने के टाइम उस बंदे का अप्रूवल आ जाता है लेकिन जब हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स लोग अप्लाई करते हैं उनका अप्रूवल नहीं आता, वो क्या वजह है मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊँगा आपको विद लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट की वीडियोस देते रहें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने एक बंदे की एप्लीकेशन सबमिट की है और उसका अप्रूवल इमीडिएटली आ गया है। कैसे आया है, क्यों आया है, क्या वजह थी, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा। कुछ दोस्त अहबाब वीडियो बना के आपको दिखाते हैं ये देखिए लोगों के अप्रूवल आ रहे हैं और फिर आप भी दबादब जो है ना अपने अप्रूवल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि वो क्यों उनका अप्रूवल आया है। अभी हम उसको आज जो एप्लीकेशन सबमिट किया है मैंने, आज डेट है 19 तारीख, तो 19 तारीख में जो एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया है मैं उसको कॉपी एप्लीकेशन को कॉपी करके इधर पेश कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपकी ईमेल होगी आपने उधर ईमेल लगा देनी है, जिसके आप एप्लीकेशन ट्रैक करने के टाइम पे, ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग का जो है ना वो सिस्टम है, ठीक है जी। एप्लीकेशन जब हमने ट्रैक की तो आप देखें सबमिटेड और अप्रूव्ड। अगर आप ये इधर टाइम देखें, ये टाइम देखें 19 तारीख 7वां महीना 2020 12:22 अप्रूव्ड, इमीडिएटली अप्रूव्ड, ठीक है। अभी तो मैंने इसको साइट को रिफ्रेश भी नहीं किया, मुझे ईमेल आ गई कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव्ड हो गई है। अभी इसमें आपने अप्रूवल कहाँ से निकालना है और आपको कैसे पता चलेगा इस बंदे का इतनी जल्दी यार कैसे अप्रूवल आ गया, तो आपने एक क्लिक बनाया व्यू का क्लिक करें, इसको व्यू करेंगे तो जब आप व्यू करेंगे तो आपके पास सामने एप्लीकेशन आ जाएगी कि सम टाइम आप देख सकते हैं कि आपने कुछ चीज़ गलत तो नहीं लिखी या कुछ चेंजेस तो नहीं करने वाला वगैरह वगैरह। अब आप देखें मेन चीज़ ऑक्यूपेशन, ये बंदा इन्वेस्टर है और मैंने जो वीडियोस लोगों की देखी हैं जो मेरे भाई मेरे जैसे वीडियोस बनाते हैं लोगों के लिए, लोगों को अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन उसमें जब वो किसी बंदे की एप्लीकेशन वीडियो में बनाकर अप्लाई करते हैं तो वो बंदा इन्वेस्टर या पार्टनर होता है या उसका हाई प्रोफेशन होता है,
ठीक है, उस बेस पे जब वो बनाते हैं तो आप देखें उनका इमीजिएटली 2 मिनट क्या 1 मिनट क्या कुछ भी नहीं, सेम सेकंड पे उसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, ये ट्रिक है कैसे इसका अप्रूवल आ जाता है। लेकिन इधर आपको बताता चलूँ, जब आप अपना अप्लाई करते हैं तो इधर आपका प्रोफेशन आता है। अभी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं बताता कि आपका प्रोफेशन क्या है, ना ही आपको बोलेगा कि आपने अपना प्रोफेशन चूज़ करें। आप जब अप्लाई करेंगे तो उधर नहीं, कभी भी शो नहीं करता। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी। लेकिन जब आप अप्लीकेशन टाइप कर लेंगे, अप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ट्रैकिंग सिस्टम में आए, जैसे मैंने आपको बताया, वो आई के ऊपर क्लिक करें, जिसके पास साथ आपको आपकी पूरी डिटेल इधर दे देगा और ये आपका प्रोफेशन भी इधर ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, ये बंदा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर एक हाई कैटेगरी आती है। इस बंदे ने एक यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर, ओनर, इन्वेस्टर और हाई प्रोफेशन जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली और बड़ी जल्दी अप्रूव मिल रहा है। आपको मैंने विद लाइव प्रूफ भी अब दिखा दिया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपना अप्रूवल प्रिंट कैसे करना है। आईसी वालों को जस्ट एक ईमेल आती है लाइक ऐसे कि आईसी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद आपको ये ईमेल आती है, उसके बाद नीचे आपकी वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं कि 21 डेज इसकी वैलिडिटी है। और नीचे एक ऑप्शन सवाल जवाब का आगे आपको ऑप्शन देता है कि आपने अगर कोई इसमें से देखना हो कि सवाल जवाब क्या है, क्या इन लोगों ने आईसी की तरफ से क्या अपडेट है, तो आप इधर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी आपने दोबारा से ट्रैकिंग फाइल में चले जाना है, ट्रैकिंग फाइल में जाना है, इसको रिफ्रेश करते हैं, आपके पास सामने दोबारा से वो पेज खुल जाएगा। दोबारा से वो पेज खुलेगा तो हम इसमें सेम रेफरेंस नंबर डाल देंगे, रेफरेंस नंबर और ईमेल डाल के हम इसको दोबारा से ट्रैक करेंगे। कैप्चा पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करें। अब आपने अप्रूवल कैसे निकालना है। ठीक है जी, जो पहले कुछ भाई दोस्त जो आपको बताते हैं जी, ये प्रिंट रिसिप्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंट रिसिप्ट और फिर ये प्रिंट कन्फर्मेशन अप्रूवल, ये पहले ऑप्शन आपके पास नहीं आता था। आप प्रिंट कन्फर्मेशन अप्रूवल के क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, सेम लाइक GDRFA जो आपको अप्रूवल देता है इदारा, दुबई बेस पे जो इदारा है वो जो अप्रूवल देते हैं, सेम लाइक वो आपका वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको वो ओपन करके बताता हूँ। जो लोग आपको बताते हैं जी ये अप्रूवल है, ठीक है ये अप्रूवल नहीं है, देखिए ये रिसिप्ट है भाई, ये रिसिप्ट इधर लिखा क्या है, टैक्स इनवाइस फतूरा दरबिया, ये बिल है, आपको बिल दे रहा हूँ, आपने कितने पैसे पे किए इसका, तो जीरो फीस है, कुछ भी पैसे हमने पे नहीं किए, डेट इधर दिखा रहा है 19 तारीख, आपने इसको प्रिंट नहीं करना, ये तो सिर्फ एक बिल है, आपने इसको बंद कर दें। आपने इसको इसको चीज़ को प्रूव करना है जो कि हम मैंने आपको इधर दिखाया, ये इस पे 3 डॉट पे क्लिक करें, प्रिंट कंफर्मेशन अप्रूवल, उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा, जो आपने अप्लाई किया होगा वो होगा। इसमें कोई दो नंबरी वाली बात ही नहीं है कि आपने जनाब जी कोई बंदा आपको एडिट करके दे दे, आपका हर चीज़ होगा, आपका आइडेंटिटी नंबर, आपका पासपोर्ट, फाइल नंबर भी होगा, इवन फिर लिखा हुआ फाइल एक्सपायरी डेट, आपकी जो वीज़े की जो एक्सपायरी डेट होगी वो लिखी होगी, रिटर्न परमिट अप्रूवल डेट सेम लाइक GDRFA उन्होंने बता दिया है 19/7/2020, उसके बाद रिटर्न परमिट एक्सपायरी डेट 9/8/2020। ठीक है जी, 21 दिन की वैलिडिटी है, नीचे उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये 21 दिन की वैलिडिटी है, आपको 21 दिन के अंदर अंदर इधर आना है। तो दोबारा उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके पासपोर्ट की अगर डिटेल गलत हुई तो आपको ये दोबारा से अप्रूवल डालना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आपने इधर आ जाना है तो अपना जिन कंट्रीज़ को PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत है वो PCR टेस्ट करवा के जब इधर आएंगे तो हल हुसैन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जो उसके लिए लाजमी होगा। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है इस चीज़ों को देखकर आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप लोगों को पता लगा होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों के लिए भी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई। जो लोग आपको वीडियो बना के बता देते हैं जी अप्रूवल आने शुरू हो गए हैं तो आप भी अप्लाई करना शुरू करते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में तो एक एक महीना कभी कभी 15-15 दिन एप्लीकेशन जो सिस्टम में रहती है और आपको अप्रूवल नहीं आता। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अप्रूवल का प्रिंट कैसे निकालना है और अप्रूवल की रिसिप्ट को प्रिंट नहीं करना, अप्रूवल प्रिंट कैसे निकालना है और आप अप्रूवल कैसे आता है और ट्रिक क्या थी और इंडिविजुअल्स के लिए क्या राय थी, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।